डायबिटोलॉजिस्ट हूँ और मेरी मैक्सिमम प्रैक्टिस ये टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में है। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कितने सारे फेलो डॉक्टर्स जो है वो पेरिफेरी में प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पेशेंट एजुकेशन अवेयरनेस के माध्यम थोड़े कम हैं। तो मैं चाहती हूँ उनको ये बताना कि आप अपने क्लिनिक में ही ये अवेयरनेस कैंपेन ज़रूर शुरू कर सकते हैं। बेसिकली डायबिटीज़ ये 3 तरह से मैनेज होता है, जिसमें हम एक पेशेंट एजुकेशन साइमल्टेनियस अवेयरनेस हमारे क्लिनिक में ही करना शुरू करते हैं। हम हमारे पेशेंट को बताते हैं कि डायबिटीज़ 50% जो है वो डाइट से कंट्रोल होता है, 20-30% इट इज़ अबाउट एक्सरसाइज, किस तरह की एक्सरसाइजेस उन्हें करनी चाहिए, एंड इट इज़ ओनली 20% अबाउट मेडिकेशंस। Initially, when the diabetes is very high, not to get scared to start medicines, not to delay the treatment unnecessarily, क्योंकि अगर treatment delay करते हैं, diabetes uncontrolled रखते हैं, तो जल्द से जल्द complications आ सकते हैं। So we have to encourage our patients to start the medications initially. इनका diet, exercise, arm जो है, we have to make it more stronger, educate them, make them aware as to how they can work better at their diabetes and reduce the medications. हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे पेशेंट डाइट, एक्सरसाइज से, मेडिसिन से कम रख के भी डायबिटीज़ अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। कई पेशेंट आके हमें पहली विजिट में ही पूछते हैं कि डॉक्टर हाउ कैन आई रिवर्स माई डायबिटीज़। सो वी मेक देम अंडरस्टैंड कि दिस इज़ अ वेरी ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड हाउ टू कंट्रोल योर डायबिटीज़, डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोबेबली इज़ द नेक्स्ट स्टेप दैट वी हैव। Secondly, what I feel is ki diabetes education awareness is also important aspect of our practice, and that's why we should spend 10 extra minutes educating a lady in our OPD. ये जो 10 मिनट हम स्पेंड करते हैं उसमें वी आर इवॉल्विंग एंड एजुकेटिंग एन एंटायर हाउस होल्ड, बिकॉज शी इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू ब्रिंग अप मोर हेल्दियर जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन, शी इज़ गोइंग टू बी द वन हु विल मेक अ फैमिली मोर हेल्दियर। सो जो प्रैक्टिकली हमसे पॉसिबल है, मे बी वी कैन नॉट गो आउट एंड डू सोशल वर्क एज मच एज पॉसिबल, बट इन आर ओपीडी वी कैन स्टार्ट बाय डूइंग फ्यू थिंग्स, एंड दैट प्रोबेबली ऑन अ लार्जर स्केल विल ब्रिंग इन डेफिनेटली अ गुड डिफरेंस। एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी, मैक्सिमम टाइम जो मैं नोटिस करती हूँ कि हमारे पेशेंट इंसुलिन से बहुत डरते हैं। जैसे हम इंसुलिन का नाम लेते, नहीं नहीं डॉक्टर वो तो अभी मैंने थोड़ा खा लिया था इसलिए, बट आई विल बी एबल टू कंट्रोल। हमें उन्हें समझाना है कि इंसुलिन इज़ नॉट टू गेट स्केयर्ड, डरने की कोई बात नहीं है। लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ में कई बार इंसुलिन इज़ समथिंग दैट इज़ इनएविटेबल। अगर हमारी ग्रंथि ठीक से पैनक्रियास की नहीं काम कर पाती है तो इंसुलिन लेना मैंडेटरी हो जाता है। उसके लिए आप कॉम्प्लिकेशंस आने तक, हार्ट डिसीज आने तक मत रुकिए कि डॉक्टर अभी मैं रेडी हूँ सब करने के लिए, बाय द टाइम इट इज़ टू लेट। सो अगर आपके डॉक्टर आपको इंसुलिन का ऑप्शन सजेस्ट करते हैं तो यू डेफिनेटली कंसिडर दिस एज अ गुड ऑप्शन टू कंट्रोल योर ब्लड शुगर्स। आप इसके बारे में जानकारी हासिल करिए और सही मानेंगे तो इससे इतनी डरने की ज़रूरत नहीं, इनफैक्ट चीटी काटने पर ज़्यादा दर्द होता है जो इंसुलिन से कम होता है। साथ साथ आप घर के घर में शुगर मॉनिटरिंग कैसे करते हैं वो भी आप अच्छे से अपने डॉक्टर से सीख लीजिए और देखिए कि आप कितने अच्छे टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में इनकलकेट कर लेंगे, एक अच्छी एक्सरसाइज, अच्छा डाइटरी रेजिमेन, थोड़ा शुगर मॉनिटरिंग, थोड़े रेगुलर डॉक्टर्स विजिट, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू लिव मोर हेल्दियर लाइफ इवन दैन अ नॉन डायबिटिक पर्सन। सो नमस्कार, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, आई होप दिस मेक्स अ लिटिल डिफरेंस टू योर प्रैक्टिस। थैंक यू।